जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था। उसने बताया कि वो पास नहीं हो सका। उसने अपनी तैयारी का पूरा तरीका बताया और सब सुनने के बाद में मैंने उसे कहा कि पास नहीं हुआ इस बात पे इतना उदास है क्यों? फिर अटेम्प्ट पढ़ के दे देंगे, इतना विचलित और निराश है क्यों? अब मेरी ये बात सुन के वो बड़ा बौखला उठा। वो बोला, सर इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? सर पे थोड़ी बीती है, मुझ पे बीती है, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं सर। तो बड़े नाराजगी में उसने मुझे बोला, सर चार अटेम्प्ट दे चुका हूं, उम्मीद मेरे पास अब कुछ खास नहीं। फिर से पढ़ के अटेम्प्ट देने की इच्छा मुझ में कुछ खास नहीं। सारे सेक्शन रट चुका हूं, पेपर में आते याद नहीं, सम सारे अनगिनत बार देख चुका हूं, एग्जाम में कांप जाते हाथ यही। कभी 39 पे रोक देगी, कभी 39 पे रोक देगी, 200 आने के बाद भी पास नहीं। एग्जामिनेशन की मैंने तैयारी की, 59 से ज्यादा मार्क्स नहीं। आगे रास्ता अब मुश्किल है, जीवन में बस अब उदासी है। लगता है ICI बस मेरे ही खून की प्यासी है, लगता है ICI बस मेरे ही खून की प्यासी है। बच्चों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मुझे इस तरह से किसी स्टूडेंट का कॉल आया है। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर में कोई ना कोई मुझे इस तरह का कॉल करता है, अपनी उदासी अपने से मेरे साथ शेयर करता है, और कुछ ऐसे ही किस्से होते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि चंद पंक्तियां लिखूं मैं उस इंसान के ऊपर, उस इंसान की जीवनी के ऊपर जो न केवल मेरे, हम में से कई सारे लोगों के आइडल है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर इससे थोड़ा भी आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आपकी तैयारी करने में आप लोगों को मदद मिले तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार समझूंगा। तो चलो एक काव्य सुनाता हूं, सोए आत्मबल को जगाता हूं। राणा प्रताप के कौशल की तुमको गाथा सुनाता, राणा प्रताप के कौशल की तुमको गाथा बतलाता हूं। एक चेतक संग बस एक भाला लिए वो हल्दी घाटी की ओर बढ़ा, कुछ हजार सेनानी लिए वो लाखों मुगलों से लड़ने चला। युद्ध कौशल में वो माहिर था, कम था पर मुगलों पर भारी था, इसलिए तो अकबर चिंतित था। राणा प्रताप को झुकाने को वो आधा हिंदुस्तान देने भी उपस्थित था, पर किस्मत को था शायद मंजूर नहीं। युद्ध हार गए थे राणा जी, आत्मबल को टूटने दिया नहीं, अकबर के लगे वो हाथ नहीं। भटके सालों जंगल, भूखे निर्बल अग्नि पथ पर, विश्वास पर अभी था खोया नहीं, नई रणनीति पर थे तत्पर। फिर 12 साल बाद वो दिन आया दिवायर के युद्ध में गर्जे राणा, निर्भय निश्चल योद्धा को देख थर्रा उठी थी दुश्मन सेना। तब किसने ऐसा सोचा था फिर चित्तौर लौट वो आएगा, राजपूतों का फिर से अपनी मातृभूमि पे पंचम लहराएगा। ये है इतिहास इस भूमि का जिसपे तूने है जन्म लिया, बस कुछ अटेम्प्ट दे देने से तूने अपनी हार मान लिया। माना पास तो नहीं हुआ, कुछ गलती हुई होगी तैयारी में। तो जोश बढ़ा और सोच कि क्या नीति होगी अगली परीक्षा में। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।